यहाँ से देखिए भाई कितना प्यारा नज़ारा आपको दिखता है। ये नीलकंठ जो माउंटेन है ये देखिए जी, बिल्कुल पास से दिख रहा है नीलकंठ माउंटेन। ब्रेकफास्ट भी हो चुका है सब लोगों का और ये रेडी हो रहे हैं बद्रीनाथ जाने के लिए। तो हम लोगों का आज का स्टे बद्रीनाथ में होगा। ये दो गाड़ी हैं हमारी जिसमें 16 लोग हैं। यहाँ से बद्रीनाथ 23 किलोमीटर है और माणा 27 किलोमीटर। तो यहाँ पे चेकिंग होती है बस वालों की। चलिए जी पहुँच चुके हैं हम बद्रीनाथ में और यहाँ से हमको वॉक करना पड़ेगा। देखिए यहाँ से देखिए भाई कितना प्यारा नज़ारा आपको दिखता है। ये नीलकंठ जो माउंटेन है ये देखिए जी, बिल्कुल पास से दिख रहा है नीलकंठ माउंटेन। आप भी इस नज़ारे का लुत्फ़ उठा सकते हैं और इस टाइप का नज़ारा यहाँ पे है। जो आगे जो रोड जाती है वो माणा के लिए जाती है। मेन रोड से टेंपल तक छोड़ने के लिए पिट्ठू भी यहाँ पे मिल जाते हैं। ये देखिए आगे बहुत सारे पिट्ठू जा रहे हैं। मंदिर के लिए रास्ता यहाँ से जाता है, यहाँ से डाउन। ये देखिए यहाँ डाउन जाएंगे। जैसे ही मंदिर के पास पहुँचे तो वहाँ देखा तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, काफ़ी ज़्यादा संख्या में लोग आए हुए हैं। और ये देखिए बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे आए हुए हैं और कुछ लोग यहाँ नीचे पे भी हैं। ये रास्ता जा रहा है और बाकी लोग कुछ यहाँ से भी जा रहे हैं। पीछे देखिए तो बहुत सारे लोग यहाँ पे आए हुए हैं। देखिए जी अलकनंदा रिवर यहाँ से बहती है और जो लोग यहाँ पे हैं ये गर्म कुंड गर्म पानी यहाँ पे हमेशा रहता है। ये लाइन सारा अंदर जा रहा है, बहुत भीड़ है आज यहाँ पे। दर्शन हो चुके हैं पर लेकिन एक मिनट के लिए रखा उन्होंने अंदर, मात्र एक मिनट में दर्शन किया और सीधे बाहर निकल गए। इतना सारा भीड़ यहाँ पे है। चलिए यहाँ जलेबी की दुकान भी है और यहाँ से दादा जलेबी ले रहे हैं। तो हम जा रहे हैं अपने होटल पे लंच करके
निकल जाएंगे फिर माना के लिए। इस टाइप के यहाँ पे रूम हैं, तो काफ़ी अच्छे रूम हैं, ये देखिए। चलिए यहाँ पे पहले लंच देखते हैं, अगर कुछ होगा तो खा के फिर निकल जाएंगे हम माना विलेज में। चलिए आज के लंच में दाल राइस हो गया और स्वीट है, तो नॉर्मल खाना खाएंगे हम लोग। यहाँ बैठ जाएंगे स्टाफ रूम में साजन जी के साथ। माना विलेज जा रहे हैं सभी लोग, यहाँ से गाड़ी में जाएंगे। यहाँ से बहुत सारा जाम लगा हुआ है, इसलिए हमको यहीं से पैदल वॉक करना पड़ेगा। ये पिट्ठू भी बहुत सारे मिल जाते हैं आपको यहाँ से माना ग्राम ले जाने के लिए और वसुधारा के लिए। देखिए माना गांव में प्रवेश हो चुके हैं। यहाँ पे जितने भी कपड़े आपको दिख रहे हैं, बहुत सारी दुकानें हैं रास्ते रास्ते पे, लेकिन सब हाथ से बुने हुए मिलेंगे आपको। तो यहाँ के लोगों का ये भी रोजगार है, अपने अपनी दुकान में सब हाथ से बुने हुए कपड़े बेचने के लिए रखते हैं। यहाँ से दो रूट जाते हैं, भीमपुल के लिए इधर जाना पड़ेगा, सरस्वती धाम के लिए भी इधर जाना पड़ेगा और केशव प्रयाग के लिए भी इधर जाना पड़ेगा, और यहाँ जाते हैं गणेश गुफा और व्यास गुफा। तो हम लोग पहले इधर जाएंगे, उसके बाद आएंगे इस साइड में। ये आ गया सबसे पहले गणेश गुफा, जहाँ पे पहले यहाँ का दर्शन करेंगे। देखिए चलिए गणेश जी के जो गणेश गुफा है दर्शन कर लिए हैं, अब आगे जाते हैं व्यास गुफा की ओर। यहाँ से थोड़ा ऊपर जाना है, यहाँ से ऊपर जाना है व्यास गुफा की ओर। हम जा रहे हैं व्यास गुफा के लिए, ये रूट जा रहा है व्यास गुफा के लिए, पूरा यहाँ से ऊपर जाना है, लगभग 200-300 मीटर का रूट है। ये देखिए व्यास गुफा लिखा है ऊपर, और ये हैंडलूम वाली दुकान तो हर जगह पे आपको मिलेगी। मैंने तो अभी एक भी दुकान ऐसी नहीं देखी जहाँ पे ये सामान नहीं होगा, तो सब ने सामान रखा है। यहाँ पे इन लोगों ने ये पीने का पानी रखा है, तो काफ़ी अच्छी चीज़ है, जल ही जीवन है, तो इन्होंने सबके लिए यहाँ पे बाहर पे रखा है जो माड़ा गांव के लोग हैं। यहाँ से नज़ारे देखिए कितने सुंदर लग रहा है, ये ITBP का कैंप है, और तो देखिए कितना सुंदर व्यू है यहाँ से ऊपर। ये गुफा पे हमको जाना है, श्री वेद व्यास गुफा में भी पहुंच चुके हैं और अब यहाँ का दर्शन करेंगे, उसके बाद नीचे निकल जाएंगे दूसरी साइड जहाँ पे दो और चीज हमको देखनी है। वेद व्यास जो गुफा है वहाँ भी दर्शन कर दिया है, आगे ले चलते हैं आपको।
और ठीक इसके ऊपर देखिए ये आर्मी की रोड है, वहाँ जाना अलाउड नहीं है, और इसके पीछे चीन बॉर्डर लग जाता है। ये पूरा ये माउंटेन के पीछे चीन बॉर्डर लगता है। अब हमको हम इस रूट से आए थे और जाना इस रूट से है, क्योंकि ये आगे भीम पुल और सरस्वती धाम पे टच होगा, फिर वहीं से घूम के हम वापस चले जाएंगे। चलिए पहुंच चुके हैं हम भी सरस्वती टेंपल पे, और ये पीछे देखिए सरस्वती नदी है और भीम पुल भी यहाँ पे है। आपको बताते हैं सरस्वती टेंपल और सरस्वती नदी आप देख सकते हैं यहाँ नीचे से आ रही है, और जो ये पत्थर है ये भीम पुल, ये भीम ने इसको अपने पुल के यूज़ के लिए बनाया था, इसीलिए इसको भीम पुल कहते हैं। तो देखिए भारत की पहली दुकान जो यहाँ पे है, स्वर्गारोहण की ओर बढ़ते हुए इस स्थान पर सरस्वती नदी को पार करते हुए हेतु महाबली भीमसेन ने एक विशाल पत्थर की शिला उठाकर पुल का निर्माण किया था। इस पुल से पार होकर पांडव आगे बढ़े थे, तब से यह पुल भीम पुल के नाम से प्रसिद्ध है। चलिए अब चलते हैं सरस्वती मंदिर में। ये देखिए स्वर्गारोहण मार्ग जहाँ से पांडव लोग स्वर्ग गए थे, यहाँ से आगे वसुधारा है जो कि 7-8 किलोमीटर के आसपास है, तो हम लोग कभी जाएंगे बाद में वहाँ पे, आज यहीं से बैठ जाएंगे। यहाँ पे माँ सरस्वती का जल भी मिलता है और आप यहाँ से घरों में ले जा सकते हैं, तो काफ़ी शुद्ध पानी है जो माँ सरस्वती नदी बह रही है उसका जल है। यहाँ पे दो नदियों का संगम होता है, एक जो उधर से आ रही है वो अलकनंदा नदी है, और जो इधर ऊपर से आ रही है वो सरस्वती नदी। मैं भी आ चुका हूँ अपने रूम पे, यहीं से व्लॉग का एंड भी करते हैं। गढ़वाल हाइक्स चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको किसी नए व्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, बाय बाय।